जैसा इसका हक है। आइए इसी तरह इसका सातवां दुनियावी फायदा जो तिब के एतबार से, मेडिकल के एतबार से होता है, शैतानी वसावस का भी ये इलाज है। शैतानी वसवसे इंसान को आते हैं, ये इसका इलाज है। बुखारी सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया जिसको ऐसे वसाविस आए, शैतान जिसको बहकाए, आयतल कुर्सी तिलावत करें। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, मौज़तैन पढ़कर अपने नफ्स पे दम करो, इससे शैतान से हिफाजत होती है। इसी तरह जो कुरान में सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 और आयत नंबर 97 और 98 में अल्लाह ने फरमा रखा कि मोमिन पनाह मांगते हैं शैतानों से, और वो आयत यूं है, अल्लाह फरमाता है रब्बी औज़ुबिका मिन हमज़ाती शयातीन, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ इन शैतानों से, वह औज़ुबिका रब्बी अन यहज़ुरून, और अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तुझसे कि मेरे करीब भी आए कभी। तो देखिए अगर कोई इंसान ये पढ़े तो वो जिनों से शयातीन से हिफाजत उसकी जो होती है। इसी तरह इसका दुनियावी जो फायदा होता है आठवां, वो ये है कि जादू का इलाज है। अगर किसी शख्स पर जादू हो जाए तो उसके मखसूस आयतें जो कुरान की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और दीगर सहाबा से साबित है, अगर हम पढ़े तो इससे ये भी इलाज होता है। तो पहला फायदा देखिए कुरान का, उसकी फजीलत, ये हिदायत की किताब है। दूसरी फजीलत, ये किताब शिफा भी है, जो है जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है और रूहानी बीमारियों का भी इलाज है। आइए तीसरा इसका फायदा देखिए, कुरान रहमत।